मिलेगा भाईजान का साथ, क्या हासिल करना चाहते हैं भाईजान। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। बॉलीवुड में अभी तक दो हीरोज को लेकर, दो भाइयों को लेकर फिल्में बनाई गई हैं, मतलब कि ड्यूओ केमिस्ट्री देखने को मिली है। पर कभी दो त्योहारों को एक साथ लाकर फिल्म बनाई जा सकती है? जरूर बनाई जा सकती है, और यही काम तो कर रहे हैं हमारे भाईजान। उनकी आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में, भाईजान की मोस्ट अवेटेड फिल्म का नाम है कभी ईद कभी दिवाली। देखा कैसे ईद और दिवाली को साथ लाकर यहाँ कोई बड़ा जश्न करने वाले हैं। वैसे सलमान खुद इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आएगी, क्योंकि टाइटल और कास्टिंग को लेकर कहानी तक सब कुछ सरप्राइजिंग है। पर दरअसल मेकर्स और फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला को इस नाम से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उनके हिसाब से ये टाइटल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, जो वो नहीं चाहते, क्योंकि रिलीजन को लेकर कुछ लोगों का एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। लोग काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, साथ साथ अग्रेसिव होने के कारण हो सकता है ये टाइटल, और टीम की सारी मेहनत पर इसकी वजह से पानी फेर सकता है। वो किसी की इमोशंस को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, इसीलिए तो साजिद फिल्म का नाम भाईजान रखने वाले थे। पर जिस फिल्म में सलमान खान काम कर रहे हो, वहां पर उनकी राय ज्यादा मायने रखती है। मेकर्स का ये सुझाव देखकर सलमान ने उसे ठुकरा कर यही टाइटल रखने की मांग की, मतलब उनके लिए तू तू मैं होगी ये तो चलेगा, पर उनका फैसला अंतिम मानना चाहिए। पर भाईजान की ये सोच जानकर कंट्रोवर्सी होने के चांसेस तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो फिल्म का नाम जानने के बाद भी ऑडियंस में कोई शोर शराबा नहीं आ रहा। सलमान खान इस डिसीजन पर इसीलिए कायम है क्योंकि वो एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को। सोसाइटी में होने वाले रिलीजन इशू पर उन्हें खुलकर बात करने का ये अच्छा मौका है। उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान का टाइटल भी कुछ ऐसा ही था, मतलब वो खुद बजरंगबली के भक्त हैं, और तब भी कोई गलत फहमी दिल में ना रखकर एक पाकिस्तानी लड़की को सही सलामत अपने घर पहुंचाते हैं। शायद इस सोच की सोसाइटी को काफी ज्यादा जरूरत है, जिससे लोगों के दिमाग पर अच्छा असर पड़े। इस फिल्म में उनके साथ नजर आएंगी खूबसूरत पूजा हेगड़े, जो कि सलमान की सुपर फैन होने के साथ साथ उनकी अच्छी को स्टार बन चुकी है। उनके साथ भाईजान का साथ देने के लिए फिल्म में नजर आएंगे उनके असली जीजा यानी कि आयुष शर्मा और फिल्म नोटबुक के हैंडसम हंक जाहिर इकबाल। ये दोनों भाईजान के लाडले भाई का किरदार निभाने वाले हैं। वैसे सलमान ने डायरेक्टर फहाद सामजी से इन दोनों के नाम की सिफारिश करते हुए कहा, ये दोनों असल जिंदगी में मेरे दिल के करीब हैं, और फरहाद भी इस बात के लिए मान गए। अगर सच में दिल में प्यार हो तो पर्दे पर उसे पेश करने में जरा सी भी एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, मतलब कि इस फिल्म में हमें भाईचारा, प्यार, सीख सब कुछ देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है। क्या आपको लगता है, क्या टाइटल की वजह से कोई कंट्रोवर्सी होगी? बताएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।